न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावी। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे। वालेकुम नाजरीन, एनपीएस नाफिज का खैर मकदम है। देखिए आज की अहम खबर, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जावेद की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप तमाम के सामने एक बड़ी खुशखबरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बाजार घाट पर नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ख़ास तौर से एक फायर स्टेशन यहाँ पर तामीर किया जा रहा था। अभी ये काम ज़ेरे तामीर है, अभी थोड़े इलेक्ट्रिकल के काम बाकी है। मगर कल का हादसा मद्देनज़र रखते हुए जो नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर फौरी तौर पर यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे तैनात रहेगी, जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक बहुत बड़ी सहूलत हमें यहाँ पर मिल गई है। क्योंकि हमने पिछले दिनों में कई फायर इंसिडेंट्स नामपल्ली हलके में देखे और हमने हमेशा ये देखा कि ट्रैफिक की वजह से फायर ब्रिगेड को आने में कई बड़ी ताखीर होती थी और उसमें कई तरीके से माली नुकसान होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, जो कि मैंने इलेक्शन में भी आपसे ये कहा था कि एक ज़ेर तामीर यहाँ पर एक फायर स्टेशन है, अभी वो तामीर अभी जारी है इंशाल्लाह, मगर उससे पहले ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर आ गई है, जो इंशाल्लाह नामपल्ली के अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है और बड़ी सेफ्टी की बात है। मैं आपके ज़रिए तमाम नामपल्ली के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ इस बड़ी का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए और सहूलत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।